मेरी कजरी बहुत रिच है, इसका कोई भी जवाब मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। मिर्जापुर कैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। सुन कैल बलमू हाँ सुन कैल बलमू। सुन कैल बलमू हाँ सुन कैल बलमू। बैसाख और जेठ की तपिश के बाद घेर लेते हैं मेघ समूचे विस्तार को। बरसता नेह भिगोता है बाहरी आवरण, अंतह मन करता है प्रेरित नए का जन। शायद इन उमड़ते घुमड़ते बरसते हुंकार भरते काले बादलों ने ही उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में उपजाया है एक लोकगीत कजरी। कजली मिर्जापुर के प्राण धारा है, हर कंठ में यहाँ कजली बसी हुई है। और आप ही समझें कि कजली संसार में जहाँ भी गई मिर्जापुर से गई। यहाँ पे जो है जैसे फूल उगते हैं, जैसे पौधे उगते हैं, इसी तरह मौसम जब आता है बरसात का तो सावन का, तो उस समय कजली उग आती है। वो कोई अपने से उगती है, कोई उसको जो है क्रिएट नहीं करता, पैदा नहीं करता। इसीलिए ये सायास प्रयत्न नहीं होता, स्वाभाविक प्रयत्न का ये परिणाम होता है। जो लोग भी लिखते हैं कजलिया, जो लोग भी गाते हैं, वो चाहे पढ़े लिखे हों चाहे न पढ़े लिखे हों, उनके भीतर से एक गुनगुनाहट पैदा होती है और वो कजली की धुन होती है। विंध्याचल के नाम से पुकारे जाने वाले इस क्षेत्र में जन्मी कजरी ने चुराया है अपना नाम बादलों के काजल से, और बनी है संगिनी धान रोपती नारियों की, विरह अग्नि में जलती बहुरिया की, उस मल्लाह की जिसकी नाव बस बहती जाती है अनजान क्षितिज की ओर। कजरी कहती है कि कारे घरने कजरारे जब बादल हो जाते उमड़ घुमड़ के आते हैं तो मन में एक उल्लास सा उठता है। जिसका पिया घर में है उसके तो मन में उल्लास होता है, जिसका पिया नहीं है वो तो बड़ा दुखी होता है बेचारे। कजरी में हर चीज़ का वर्णन मिलेगा। पिया घर में है तो संयोग पक्ष, पिया बाहर है तो वियोग पक्ष। अगर भाई आती है वो मायके तो राखी का त्यौहार है, राखी के शब्द उसमें मिलेंगे। अगर भाई नहीं आया है तो वो दुख कि मेरा भाई जो है सावन के महीने में हमको लेने नहीं आया है, ये दुख। तो इस तरह के कोई एक चीज़ नहीं है। अब सहेलियाँ आती हैं तो अपने वो पिया की बात बताती हैं, वो गुपचुप देखो ऐसे उन्होंने किया ऐसे किया, तो वो दूसरी बताती है अरे मारो हमारे तो
जो आदमी हैं बड़े निठल्लू मिले हैं, बड़ा शराबी मिला है, तो इस तरह की स्त्री आपस में बात करती हैं, सारी बातों को कजरी के माध्यम से एक दूसरे से बात करती हैं। मन पूछता है ये बार बार, आखिर कजरी में इतना माधुर्य आता है कहाँ से। सावन में कजरिया बदरिया घेरे आई नंदी, हम तो खेल बै भौजी, हो हम तो खेल बै भौजी, सावन में कजरिया बदरिया कितना घेरे भौजी। भौजी कहती है, तू तो जात हो अकेले, तोरे संग ना सहेली, तू तो जात हो अकेले, हो तू तो जात हो अकेले, तोरे संग ना सहेली, गुंडा छेकले है, हो गुंडा छेकले है, तोहरी डगरिया बदरिया घेरे आई नंदी। कहती है, अरे भौजी हमको कौन रोकेगा, हम इस घर की बेटी हैं, सब जानते हैं, और मान लो कोई गुंडे ने छेका तो जरा उसका हश्र देखे क्या होता है, तो कितने डामल फांसी चढ़ गए, कितने गोली खा के मर गए भौजी, डामल फांसी चढ़ गए, हो कितने डामल फांसी चढ़ गए, कितने गोली खा के मर गए, और जो बचे होंगे हो कितने पीसत हुई है, हाँ कितने पीसत हुई है, जेहल में चकरिया बदरिया घेरे आई नंदी, हो कितने पीसत हुई है, जेहल में चकरिया बदरिया घेरे आई नंदी। कजली जो है वो मिट्टी से उपजी है और माटी से सनी हुई है, वो हृदय से उठती है। किसी विद्वान या बहुत बड़े कवि ने कजली लिखी हो ऐसा आप एक दो उदाहरण छोड़ो और नहीं पाएंगे। और जब उसमें स्वर सुर लय ताल अपने आप समाहित हो जाता है तो उसका जो आकर्षण बढ़ जाता है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कजरी के साथ शुरू शुरू कोई वाद्य यंत्र नहीं था, खुद ही स्वांत से खाए लोग गाते थे, है ना। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इस पे स्टेज पे आना लोग शुरू किए। अब मंच पे आने के लिए ढोलक है, थोड़ा हारमोनियम है, मिल जाए तो शहनाई है, इस तरह के वाद्य लेते हैं। भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया, आज मिर्जापुर मनाता है कजरी तीज। स्त्रियां जतन से बोए गए जौ के पौधों को धोती हैं गंगा जल में, करती हैं कामना भरे पूरे भविष्य की। बड़ों कर दो बड़ी देवी ने कसारियां बड़ी बड़ी ला लेगी, बड़ों कर दो बड़ी काहे। पहले नदी में कितने लोग इकट्ठे होते थे, कितनी लोग आए गजे से इकट्ठी हुए जा रही थी। शाम ढलते ही शहर डूब जाता है हृदय को स्पंदित कर देने वाली कजरी की धुनों में।
आज भी गली के नुक्कड़ चौराहों पर जुटते हैं लोग और होते हैं सराबोर कजरी के रस में। लेकिन 80 के दशक से टीवी, सिनेमा, सस्ते दर्जे के संगीत और सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते बाजारवाद ने लोकगीतों के सामने विलुप्त होने का खतरा पैदा कर दिया है। मिर्जापुर की कजरी इससे अछूती नहीं रही है। डॉक्टर जॉनसन का एक स्टेटमेंट याद आता है, उन्होंने कविता के बारे में कहा था कि पोइट्री डिक्लाइंस एज सिविलाइजेशन एडवांसेस, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है कविता का ह्रास होता है। मुझे यह बात, उनका उक्त कथन जो है कजली के मामले में सटीक लगता है, क्योंकि यहाँ जैसे जैसे लोगों का रहन सहन बदला, शिक्षित हुए और भौतिक संपन्नता भी बढ़ी, वैसे वैसे कजली गाना छोटा काम समझने लगे लोग। इसको छोटी जाति के लोगों से जोड़ दिया गया दुर्भाग्यवश। हम तो ये कहेंगे थोड़ा नहीं, 90% खत्म हो गया है हमारे मिर्ज़ापुर से। ये जो आप देख रहे हैं ना, केवल 10% है। आप मतलब एक जगह आप जाते, दूसरे मोहल्ले में बस पहुँचते वहाँ गाना हो रहा है। नागपंचमी के दिन से जो कजरी होती थी, हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहे, अब नहीं है। रुझान कम होता है तो देख के मन को बड़ा दुख लगता है। असल में हमारी ये आत्मा बसी हुई है, इस कजरी में आत्मा बसी हुई है। तो क्या हम ये मान लें कि जैसे इस दुनिया से अनेकों भाषाएं, धर्म, सभ्यताएं समय की खाई में दफन हो गईं, वैसे ही कजरी भी एक दिन नहीं रहेगी? खत्म तो 1000 उत्तराधुनिक समय आवे, 1000 बाजार बाद आवे, 1000 बार भूमंडलीकरण हो, 1000 डेरिडा पैदा हो, कजली को खत्म नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो आप समझें कि हो ही नहीं सकता। उसका कारण ये कि मैं कजली को ये कहता हूँ, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, उनका उगना, जब जब बरसात होगी कजली उगेगी और उसको गाने वाले भी मिल जाएंगे, उसका आदर करने वाले भी मिल जाएंगे, उसकी मस्ती में झूम के चलने वाले भी मिल जाएंगे। कजली कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक हरियाली रहेगी और तब तक कजरी जीवित रहेगी, तो तब तक तो जीवित रहेगी। जब तक मेरा मिर्ज़ापुर रहेगा तब तक जीवित रहेगी, और जब तक हरियाली रहेगी तब तक कजरी जीवित रहेगी। मंच पर गाती ये बच्चियाँ, टकटकी बांधकर सुनते लोग,
श्रम के साथ गुनगुनाती धान रोपती महिलाएं। इन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि जब तक सावन के मेघ घेरते रहेंगे इस धरा को, तब तक कजरी हमें भिगोती रहेगी अपनी रस वर्षा से। पिया मेहंदी लिया दम मोती झील से, जाए के साए केल से ना। पिया मेहंदी लिया दम मोती झील से, जाए के साए केल से ना। पिया मेहंदी लियाव छोटी ननदी से पिसाव, हमरे हाथवा में लगाई द कांटा कील से, जाए के साए कील से ना। हमरे हाथवा में लगाई द कांटा कील से, जाए के साए कील से ना। हमरे हाथवा में लगाई द कांटा।